सत्यता हो, सर्जनात्मकता हो, जो भविष्य में लाभदायक हो, ऐसा तथ्य होना चाहिए जो जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण न, प्रदूषण से मतलब ऐसी भावना मत डाल दीजिएगा जो भड़का दे समाज को, ऐसी बात मत कर दीजिएगा जो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में लोग एक दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसा शोर है, ये क्या है, ठीक है ना। तो किसी भी तरह के चाहे वो मानसिक प्रदूषण हो, वाचिक प्रदूषण हो, या जैसी भी भावना हो, उसको उसमें भड़काने वाला काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने शोध एथिक्स पढ़ा, एथिक्स में और मॉरलिटी में क्या अंतर है? एथिक्स नीति शास्त्र है और मॉरलिटी नैतिकता है। तो नैतिकता में लोग कहेंगे नीति शास्त्र पढ़ तो लिया, नैतिक तो हो ही गए, पर नैतिकता और अनैतिकता में बहुत अंतर है। जब आप एक जैसे आप एक कहानी जानते हैं कि एक कोई मरीज है या कोई एक बूढ़ा बाप है, उसे अपने बच्चे को कहीं इलाज के लिए लेके जाना है, कोई एक सरकारी हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें कोई एक ऐसा डॉक्टर है जिसके नाम पे ही वो हॉस्पिटल चल रहा है, उसे पता नहीं है कि वो डॉक्टर उसको छोड़ चुका है। अब वो बच्चे को लेके जाता है, वो बहुत फीस मांगते हैं, वो कहता है कि भाई मैं कैसे इतना खर्चा करूंगा, ठीक है ना। सबको नैतिक बनना है, नैतिकता सब में है, लेकिन अब जब वो वहां जाता है तो सोचता है चलो अपना घर मकान जमीन सब कुछ बेच के बेटे का ऑपरेशन तो करा ही है, वो सब कुछ कर वर के भी सारी व्यवस्था करके जब जाता है तो वहां का रिसेप्शन पर उसको बताया जाता है कि इतना इतना पैसा लगेगा। वहीं एक लड़की बैठी रहती है तो वो बुजुर्ग सोचता है तो मेरी बेटी की उम्र की है, इससे जरा सही राय लेके देखे, क्योंकि मकान तो हो ही चुका है। तो वो बोलता है बेटी तुम बताओ, लोग कह रहे हैं कि ये तो एक्स हॉस्पिटल है, वाई हॉस्पिटल इससे अच्छा है, इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, वहां करा लो, वहां खर्चा भी कम आएगा, तुम क्या कहती हो? वो वहां पर नौकरी करती है, उसकी नैतिकता क्या है? हॉस्पिटल के बारे में ना बताना, है ना। और इसका क्या है? वो जान रही है कि बहुत गरीब हो जाएगा, लेकिन अब उसको भी अपनी रोटी खानी है, तो सीधे ये कह देगी नहीं बाबा आप करा लो, बहुत अच्छा है। तो नैतिकता में और नीति शास्त्र मॉरलिटी में यही बहुत सूक्ष्म अंतर होता है कि आप कहीं कहीं धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अब वो अपनी या तो नौकरी खोए और उसको सही राय दे दे कि नहीं वो डॉक्टर भी चला गया दूसरे हॉस्पिटल में करा लो, है ना, तो लोग उसको निकाल देंगे, और अगर नहीं कहेगी तो ये बूढ़ा कंगाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैसे अंतर करोगे? तो ये चीज भी एक धर्म संकट उत्पन्न कर देती है नैतिकता और अनैतिकता के बीच में। लेकिन ये आपका विषय जो है ये पढ़ाई का है, यहाँ पर आप इतने मजबूर कभी नहीं होंगे कि आप किसी के डेटा को इस मजबूरी से चोरी करें कि हमें रखना जरूरी है, लेकिन आपको पूरी छूट है कि आप उसका नाम मेंशन करते हैं, उसकी पुस्तक मेंशन करते हैं, उसका संदर्भ मेंशन करते हैं, इतनी आजादी है। फिर चोरी किस बात की? आप सीना तान के किसी का नाम लिखिए, सीना तान के बताइए, बाद में तो आपको अपना ही व्यू देना है ना। तो यही चीज यहाँ पे आ जाता है कि नैतिकता को धर्म संकट में मत छोड़िएगा, कि धर्म संकट उपस्थित हो गया तो नैतिकता छोड़ दें। आप शोध के लाइन में है, शोध में वो धर्म संकट कभी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शोध कार्य न केवल आपको संतुष्ट करेगा इस प्रकार का शोध कार्य, अपितु समाज को, देश को ज्ञान के गौरव से मंडित भी करेगा। कहा भी क्या है, श्रद्धामान लगते ज्ञान, अर्थात श्रद्धा से ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आप सदैव अपने शोध निर्देशक के प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और अपने ज्ञान को काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।